हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सोम गुप्ता एंड बी वर्स फर्स्ट प्रोफेशनल कैरियर लखनऊ। तो यार, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिनका जो है नीट 2023 में जो है आप इनिशियल डेज में प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि क्लासेज 8 से 4 और चूँकि आपने नए कॉलेज में होगी यूपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया और अटेंडेंस वगैरह काफ़ी क्लास में प्रेशर भी क्रिएट करता था कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो क्लास जाने पड़ते थे। तो मैंने शुरुआत के इनिशियल 2 मंथ तक तो मैं रेगुलर क्लासेस गया हूँ और रेगुलर क्लासेस आप 8 से 4 क्लासेस होती थी। तो उसके बाद आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती थी तो पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी। तो 1 घंटे आराम करने के बाद 5 बजे से 8:30 बजे तक ये मेरा रहता था, 3.5 घंटे तक पढ़ लेता था और उसके बाद 8:30 से 9:30 तक मतलब खाना वगैरह खाना, थोड़ा सा टहल लेना या फिर थोड़ा सा दोस्तों वगैरह से बात कर लेना, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। इसके बाद 9:30 से 12:30 बजे तक मेरी सेकेंड मीटिंग में पढ़ाई हो जाती थी और मेरा मेन फोकस रिवीजन पे रहता था क्योंकि मुझे कुछ नई चीजें पढ़नी नहीं थी। तो आयुष, मतलब कि आप मतलब कि पढ़े आप जो है मतलब कि कितना देर पर पढ़ते थे? 6-7 घंटे मेरा रहता था कि कम से कम इतनी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि तीनों सब्जेक्ट ठीक तरीके से रिवाइज हो जाए। तो मतलब 6-7 घंटा आप मतलब कि आप जो है सिर्फ नीट को देते थे? हाँ, तो मतलब 2.5 से 3 घंटे मेरा फोकस रहता था बायो और बाकी 1.5 घंटे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे दे देता था। ये बदला भी रहता था, हो सके किसी दिन बायो मतलब बहुत पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मन कर रहा है तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो आयुष, मतलब आप बताएंगे कि मतलब कि कैसे मतलब कि मान लीजिए आप क्लासेस भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका जो है सेमिनार होता है, आपका जो है और भी बहुत सारे जो असाइनमेंट मिलते हैं आपको, मतलब तो आप उसको भी कैसे मैनेज करते थे? आप नीट को भी मैनेज कर रहे हैं कि मतलब कि ये उसको भी पढ़ रहे हैं और क्लासेस का भी देख रहे हैं? मेरी मेन फोकस। अच्छा, तो आप लास्ट ईयर कहाँ से मतलब कोचिंग किए थे? लास्ट ईयर मैंने मतलब वो पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसी से ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते थे आप? हाँ।
मतलब वहाँ पर जो आपका नोट्स था, मतलब कि आप उसी नोट से आप यहाँ पर पढ़ते थे, और उसमें मतलब काफी इधर उधर की चीजें थी, मतलब काफी मतलब एनसीईआरटी के आउट ऑफ एनसीईआरटी की चीजें मैंने पढ़ा था, मतलब ये भी एक कारण था मेरा लास्ट टाइम नंबर कवर करने का, कि मैंने काफी सारी ऐसी चीजें पढ़ी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और जैसा ट्रेंड चल रहा है 3-4 साल से हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, तो लेकिन उसमें जैसे फिजिक्स के जो नोट्स थे और जो केमिस्ट्री के नोट्स मैं जैसे इनऑर्गेनिक के या फिर ऑर्गेनिक के हुए, ये सारी चीजें मतलब काफी ठीक थी, तो उससे मेरा रिविजन हो जाता था, और बायो मैं खुद से पढ़ता था, बायो को मैंने लेक्चर में देखे थे किसी के अलग, उसके मैं पीडब्ल्यू से मुझे कोचिंग की थी, तो तभी मैं उसके लेक्चर नहीं देखा था, मैंने एनसीईआरटी के कई बार रिवाइज किया। तो आयुष मतलब अभी आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब कि तुम यार इस बार 650 मार्क्स आ रहे हो, मतलब कि यार बहुत खुशी वाली बात है, बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर सकता मतलब कितना अच्छा तुम्हें फील हो रहा होगा, तुम मतलब तुम बताओ अपने वर्ड में मतलब कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब घर वाले का रिएक्शन क्या था, मतलब जब तुमने मार्क्स बताया होगा कि पापा या मम्मी मैं इतने मार्क्स ला रहा हूँ। हाँ सब मतलब बहुत खुश थे, और पापा भी मतलब फर्स्ट टाइम मतलब पापा ने मुझे मतलब बधाई दी, नहीं तो ऐसा मतलब 12th में भी अच्छे मार्क्स थे और 10th में भी अच्छे मार्क्स थे बोर्ड में, तो मतलब उनका मतलब एक्सप्रेशन ऐसा नहीं रहता था जैसे, लेकिन इस बार मतलब उनका एक्सप्रेशन था जैसे आई अचीव समथिंग, ऐसा मतलब कि मैंने कुछ अचीव किया हुआ है, तो मतलब पापा का मतलब जो एक्सप्रेशन था जो मैंने उन्हें बताया मैंने स्कोर, तो मतलब काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, और मम्मी तो हमेशा खुश होती हैं, मम्मी लोग तो हमेशा खुशी होती हैं, बेटा कैसा भी रहा तो अच्छा था, और मैंने यहाँ पे एडमिशन किया बीडीएस में तब भी खुश थी, और ऐसे भी, और दादाजी मामा मतलब सब काफी खुश थे। अच्छा तो ये बताओ कि मतलब कि तुम्हारा मतलब कि घर वाले सपोर्ट करते थे कि यार तुम लोग पढ़ भी रहे हो और नीट की तैयारी भी कर रहे हो, तो कभी उनको ऐसा नहीं लगा, कभी वो बोलते थे कि यार कि कोई किसी एक ही फोकस करो, मतलब दोनों मतलब मैनेज नहीं होगा तो नहीं कर करोगे नहीं करोगे, उन्हें तो मतलब काफी डर लगता था, और वो उन्होंने कह रखा था कि लास्ट का जो एक महीने रहेंगे तब तुम जो करना है कर लेना, अभी तुम्हारा पूरा फोकस जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस पे हो, अभी तुम उस पे ही ध्यान दो पूरा। अच्छा आयुष आप ये बताइए कि मतलब कि जब आपका नीट एग्जाम पास आ गया था, मतलब एक दो महीना तीन मतलब पहले जो है आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब कि आप मतलब फिर तब भी आप क्लास जाते थे डेली? नहीं मैं 1.5 महीने नीट के एग्जाम से 1.5 महीने पहले क्लास जाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, मैं होली में 18 मार्च को होली थी और मैं घर गया था तो फिर मैं आया नहीं। अच्छा मतलब उसके बाद से मतलब कि आप 1.5 महीना जो है मतलब जो आप जो की है हा? तो आप मतलब कि आप मतलब कि जब लास्ट टाइम में आप जो है मतलब कितना टेस्ट देते थे मतलब पर डे? नहीं शुरुआत लास्ट डे पर डे मैं दो मॉक टेस्ट तो देता ही था, और शुरुआत में तो मैं जब से मैं यहाँ आया था तो प्रिपरेशन कर रहा था, अभी मेरी कोशिश रहती थी कि एक मुझे देने मॉक टेस्ट, तो वो 3-4 दिन में एक होते तो थे। आयुष मतलब जो आपके लास्ट टाइम जो मॉक टेस्ट आप दे रहे थे मतलब आप उसमें आप मतलब तुम्हारा कितना नंबर आ रहा था मतलब लास्ट टाइम? मैंने लास्ट जितने मॉक टेस्ट दिए उसमें मेरे नंबर 620 प्लस रहते थे, 620 और 640 के बीच में ऐसे मतलब ऑसिलेट करते रहते थे, तो कभी ऐसे लग रहा है मतलब कि नंबर जो है 620 और 610 के बीच में आ रहा है, तो 620 के बीच में। अच्छा मतलब तब तो तुम्हारे अंदर कहीं कहीं लगा हुआ कि मतलब कि कहीं हो सकता है मतलब सिलेक्शन तो इस बार हो जाएगा अंदर? हाँ, कुछ काफी मतलब अच्छा पॉजिटिव फील कर रहा था। हाँ जो कि मतलब कि उसका रिजल्ट दिख भी रहा है मतलब 650 मार्क्स गेन कर रहे हो। हाँ एक मतलब कॉन्फिडेंस था एग्जाम, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें उतने नंबर नहीं आते थे। तो आयुष यार मतलब कि मतलब जो आपके अपकमिंग जो है नीट एस्पिरेंट है तो उनके बारे में मतलब उनको मतलब कुछ क्या कहना चाहोगे, मतलब कि उनको मतलब जैसे कि तुम यार बीडीएस करते करते इस बार नीट में सिलेक्शन ले रहे हो, तो मतलब कि जो अपकमिंग जो है नीट एस्पिरेंट है जो इस बार मतलब तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ है, जो मतलब कि 4th अटैम्प्ट 3rd अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट में है लेकिन उनका नहीं हुआ है, या जो अभी फ्रेशर है मतलब उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब कि कैसे तैयारी करें कैसे मैनेज करें केमिस्ट्री को बायोलॉजी को फिजिक्स को? ड्रॉप अगर ज्यादा है तो पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा मतलब कहाँ वो लैग कर जा रहा है, जैसे मेरे साथ क्या था कि मेरे सिली मिस्टेक ज्यादा होते थे, ऐसा नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से मेरे 8-10 बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो सबका अलग अलग अपना सिनेरियो होता है कि कौन कहाँ लैग कर रहा है, तो उसे अब पहले पहचाननी होती है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट भी अच्छे नहीं हो सकते हैं या फिर किसी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे मेरे से सिली मिस्टेक को कर रहा हो, तो उसे जानना होता है अगर किसी की सिली मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस या इसके अलावा कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा टेस्ट पेपर अटेंड करें इससे उसके सिली मिस्टेक्स कम हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट वगैरह मतलब कहीं वीक है तो उसके लिए आप लेक्चर से वीडियो लेक्चर से या यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोज हैं या कहीं से जहां से हो सके आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, और फिर उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस जो भी है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो जिससे आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, और अगर तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग स्टडीज की बात करूँ, फिजिक्स में आपने लेक्चर देखा फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिए पेज पर हमने फॉर्मूले लिख लिए, मतलब फॉर्मूले आपको टिप्स तो नहीं चाहिए, उसके अलावा उन सभी फॉर्मूले पर कोशिश करना है कि 8-10 कम से कम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लूँ, तो उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी फॉर्मूले टिप्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने आ रहता है उसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूले में याद हो जाते हैं, तो फिजिक्स ऐसे हो जाएगी। केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री में से इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी जितना हो सके
पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ऐसे रिसर्च चैप्टर्स हैं। डी एंड एफ ब्लॉक आसानी समझ में नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी के ही हम गो थ्रू जितने बार हो सके ये हमें कोशिश रहनी चाहिए। जैसे बायो पढ़ते हैं वैसे ही इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की हमें पढ़ लेनी है। ऑर्गेनिक में भी ठीक वैसे ही जो नेम्ड रिएक्शंस हैं या फिर कुछ मैकेनिज्म वगैरह भी है, और जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं और जो सॉल्ट एग्जांपल्स हैं केमिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन आए जाना है लेकिन इंडेक्स क्वेश्चंस कई बार उठा के दे देता है, तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस कर लेनी होती है और हमारे टिप्स होनी चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स का वैसे इसका भी सिनेरियो है। एक बार एनसीईआरटी तभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के पढ़ लेने चाहिए। हालांकि मैंने जो लेक्चर्स देखे हैं और जो नोट्स हैं वो रिवाइज करके और फिर फॉर्मुलेज वगैरह उसको भी एज फिजिक्स के जैसे ही सेम हमारे टिप्स होने चाहिए और उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है कम से कम। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मतलब कि जो है सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ और ना पड़े बच्चे? एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एनसीईआरटी फिंगर टेस्ट बुक मैं तो रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं। मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम, मतलब कि मॉक टेस्ट के थ्रू उनको मतलब तैयारी करनी चाहिए? हाँ, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जैसे पार्ट्स लिवर टेस्ट भी होते हैं जैसे माइनर है फिर मेजर भी, तो ये माइनर जो टेस्ट होते हैं ये भी बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि ये चार चैप्टर हमने पढ़ लिए, इसका हमने टेस्ट दिया तो मतलब कितना कुछ अचीव कर पाए कि नहीं इससे। तो आयुष मतलब कि आयुष तो आप ये बताइए लास्ट टाइम लास्ट वन मंथ में तुम कितने मॉक टेस्ट दिए होगे टोटल? मतलब लास्ट वीक में मैंने 25 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट दिए थे क्योंकि मैंने जैसे कि शुरुआत में एक या दो मतलब हर दिन दो एक या दो मॉक टेस्ट देता था, लेकिन लास्ट के मैंने 10 डेज में मैंने 10 डेज या 7 to 10 डेज मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैंने केवल रिवीजन फोकस किया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं 3 अच्छे कैंडिडेट दे रहा हूँ इसलिए कि रिवाइज करने पे उसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अगर मैं एक से दो मॉक टेस्ट देता लास्ट डे में तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार मैं आज मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसा मुझे फील होता था इसलिए मैंने। लेकिन सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग होते हैं कि वो लास्ट तक मतलब मॉक टेस्ट देते हैं तो ये अपना अपना जिसमें उनको कॉन्फिडेंस मिले। तो मेरा था कि अगर मैं 7 से 10 दिन बचे हैं तो अगर मैं पढ़ाई कर लूँ क्योंकि पता है क्या रिवाइज करना है, मैंने सारी चीजें पता रहता है तो उससे कॉन्फिडेंस आता था मुझे इसलिए मैं। तो आयुष मतलब कि 650 पे मतलब कि तुम कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कि कौन सा कॉलेज? रैंक चूंकि इस बार ज्यादा है तो मे भी मुझे शायद हो सकता है वो GSPM, हालांकि थोड़ा सा वही मुश्किल दिखाई दे रहा है 7000 के आसपास मेरी रैंक है, लेकिन वो नहीं तो मोतीलाल नेहरू तो मिल जाएगा। तो मतलब अगर तुम्हें GSPM और MLM में लेना रहेगा तो कौन सा कॉलेज तुम ऑप्ट करना चाहोगे? हालांकि GSPM ही लेना चाहूंगा, सब वही लेते हैं, लेकिन नहीं कि वो मोतीलाल नेहरू भी है तो वो भी बहुत ही पुराना कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में ओल्ड इज गोल्ड वाली बात होती है, तो कोई पुराना कॉलेज हो तो वो जो ऑटोनोमस है जो नए कॉलेज है उससे तो बेटर ही होगा। तो पर वैसे पहले केवल सिलेक्शन का मैं सोच रहा था तो अब जो भी कॉलेज मिले है वो तो लेना ही था मुझे, और मुझे इतना अच्छा पुराना कॉलेज मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच आयुष फॉर गिविंग द इंटरव्यू। तो यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मतलब कि जो BDS से अब MBBS करने वाले हो, मतलब कि इस बार जो है कॉलेज अच्छा मतलब कि 650 पे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। GSPM जहाँ तक मुझे लगता है GSM तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जो एक फ्रेंड नहीं मतलब कि 3 फ्रेंड थे, 642 मार्क्स था उनका, तुमको वो सब GSM में है तो 8 मार्क्स इंक्रीज किया है, लेकिन फिर भी मतलब रैंक तो तुम्हारे जाते रहेंगे, फिर भी जो है GSM तो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, मे बी अपग्रेडेशन हो सके, अपग्रेडेशन के लिए मैं जाऊंगा तो हाँ मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू सो मच।